गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेस। आज पार्ट थर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट थर्ड सेक्शन के साथ हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को इडियम्स एंड फ्रेजेस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में इजी वे में, उसके मीनिंग्स के साथ, उनके एग्जांपल्स के साथ आपके साथ हम लोग एक छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जिस तरह से यूज़ किए जाते हैं आप ईजी वे में उसे समझें और उसे डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ और अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर पाएँ। आज का जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है एन ओल्ड फेम, मीन्स पुराना प्रेमी। आप जिससे मीन्स कह सकते हैं वैसे वैसे रिलेशंस जिससे, या वैसे वैसे लोग जो आप पहले से आपको जान रहे हों या फिर आपके फैमिलियर्स हों, उन्हें बोला जाता है। एंड द मीनिंग इज़ अ पर्सन और वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। एग्जाम्पल इज़ एन ओल्ड फेम रिविजिट्स the hill village and his an encounter with her tells him that it is a hope betrayed. Second one is an old head on young soldiers, means kam umr mein bahut buddhiman. आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उम्र जो है उनकी कम होती है, लेकिन उनकी जो आईक्यू होते हैं या फिर बुद्धि जो उनकी होती है, स्किल जो होते हैं, वो बड़े बड़े को पानी पिलाने के लायक होते हैं, यानी कि बड़े बड़े को जो है वो परेशानी में डाल सकते हैं। तो वैसे जो कम उम्र में उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस उसकी जो इंक्रीज़ करते हैं, उन्हें एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर बोलते हैं। मीनिंग इज़ अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डन एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। Example is he is only 17 but he has an old head on young soldiers and remain calm under pressure. Third one is an olive branch means shanti ka prastav, meaning is peace request peace treaty. दो देशों के बीच में आप देखेंगे शांति वार्ता होती रहती है, या फिर कोई किसी आप बोल सकते हैं असाइनमेंट पे साइंस वगैरह होती हैं MOUs पे, ताकि उन दोनों के बीच में जो है शांति यानी कि पीस जो है वो मेंटेन रहे, उन्हें एन ऑलिव ब्रांच बोलते हैं, यानी कि पीस रिक्वेस्ट। एग्जांपल इज ही हेल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द ओपोजिशन बाय रिलाइजिंग 42 पॉलिटिकल प्रिजनर। फोर्थ वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मिस कलह का मामला मिस मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स। कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा बोल सकते हैं वजह जिस पे जो है झगड़े का वजह बने कोई ऐसा मैटर, उसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं। राइट टू होस्ट द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू कंट्रीज। फिफ्थ वन इज एप्पल ऑफ वंस आई मिस आँख का तारा, यानी कि बहुत लवेबल डियरेस्ट वन। And the meaning is Penny Wan's son was the apple of her eye. ये तो थे हिंदी आज के idioms and phrases. अब next part जो है मैं soon as possible मैं आपके पास available करवाऊँगी। Please इन सारे words को आप day to day life में use करें, ताकि आपके जो practice हैं वो basically हो पाएँ और आपके communication skill develop कर पाएँ। हमारे एवरेस्ट टारगेट IAS 64th बैच BPSC बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिकली जो 64th BPSC PT टारगेट बैच है वो चल रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 9334-89006, 9334-89006। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोज़।